हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आपका जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट जो वो भी खत्म हो चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जेई एडवांस की प्रिपरेशन इन्होंने बहुत टाइम पहले से स्टार्ट कर रखी है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी जेई एडवांस की प्रिपरेशन जो स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अभी भी बच्चों आपके पास में, आप ऐसा मान सकते हो कि अराउंड 50 डेज का टाइम है, और अगर आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो एक अच्छा स्कोर जो बच्चों आप मैथ्स में कर सकते हो। तो आप में से कितने बच्चे जो वो अभी प्रिपरेशन मैथ्स की स्टार्ट कर चुके हैं, कितनों ने नहीं किए, सबसे पहले मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए इसके बाद में बच्चों मैं आपको बताता हूं कि जो अभी 50 डेज बचे हैं उसमें से भी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मैथ्स ऑलरेडी अच्छी है, उनको तो यार देखो पूरा का पूरा सिलेबस जो वही कवर करना है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है सर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो तो अच्छा है, मैथ्स हमें आप कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जिनको हम 50-60% सिलेबस अगर कर ले तो अच्छा स्कोर हम कर सके। पहली प्रॉब्लम बच्चों की ये होती है। दूसरी जो बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि सर उनको आधे बच्चों को अपना सिलेबस जो वही नहीं पता होता, वो फालतू की चीजें जो पढ़ते रहते हैं। तो एग्जैक्टली सिलेबस जो वो जेई का क्या रहने वाला है। अगली जो बच्चों को प्रॉब्लम है कि वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिन चैप्टर से आते हैं, जिनसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल में उनको पता ही नहीं होता कि इजी वाले क्वेश्चन वो कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज जो वो कौन से चैप्टर्स का है। तो ये प्रॉब्लम जो वो भी आपकी सोल्व आज के सेशन में होने वाली है। जो लास्ट बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर क्वेश्चन को देख के हमें समझ में ही नहीं आता कि इसके क्वेश्चन की अप्रोच जो वो क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो वो कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बच्चों आपको आज के इस मास्टर सेशन में मिलने वाला है। यहां पे बच्चों जो मास्टर सेशन है वो हमारा एडीबी स्टार का जो एक एडवांस का क्रैश कोर्स है आरसीसी बैच, उसकी मैथ्स की मास्टर क्लास जो वो आपको मिलने वाली है। तो यहां पर सारी चीजें, सबसे पहले आपको बच्चों सिलेबस जो वो एनालाइज करवाया जाएगा, उसके बाद में लास्ट के 5 इयर्स का बच्चों आपको पूरा का पूरा वेटेज वगैरह, इजी डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपको एनालाइज करवाया जाएगा, उसके बाद में कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं ये बताया जाएगा, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है, एक जेई एडवांस का पूरा 2022 का बच्चों पेपर जो है वो आपको सोल्व करके दिखाया जाएगा कि क्या जो वो आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो ध्यान से, थोड़ा सा लंबा 1 घंटे से ऊपर का बच्चों सेशन होने वाला है, आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें यार बहुत अच्छे से जो वो आप नोट करते रहिए। और जो भी बच्चे जिन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए वो यार आरसीसी बैच जो उसका हिस्सा बन सकता है, ऑलरेडी काफी स्टूडेंट ने इसमें एनरोल कर लिया, बहुत मजा उनको आ रहा है, तो आप भी इस बैच का हिस्सा बनके आप अपनी रैंक जो उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो आप आराम से बैठ के सेशन देखिए, और अगर यार सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार अगर हम बात करें तो जो एक नई जो चीज है आपके सिलेबस में जो आपसे पहले नहीं हुआ करती थी, जो आपके लिए बिल्कुल नई है, तो वो चीज है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ये वाला बेटा जो चैप्टर है वो आपसे पहले जे एडवांस के सिलेबस में सेट एंड रिलेशन जो है वो नहीं होता था, बट अभी इस बार से ये जो वो एक नई चीज जो आपके लिए इंक्लूड की गई है ना, तो इसको इसमें मेन चीज ये कि भाई आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि पहले होता नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा फोकस आपको करने की जरूरत है। और जहां तक मेरे को लग रहा है तो पहली बार ये चैप्टर जो वो ऐड हुआ है तो शॉर्ट इसमें से क्वेश्चन जो वो आना ही चाहिए, क्योंकि मतलब ऐड किया तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहली बार ऐड किया है और इसके अंदर क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाएगा। तो इसके अंदर मेनली जो यार जो प्रॉब्लम जो मेरे को लग रहा है वो आपके पास में यहाँ पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम जो है ना, इस पे काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम जो बनती है ना, तो इस पे प्रॉब्लम जो पूछी जा सकती है, तो इसमें पर्टिकुलर जो है वो इस वाली चीज पे आप फोकस थोड़ा सा कर सकते हो। उसके अलावा जैसे रिलेशन है तो रिलेशन के अंदर बहुत कुछ ज्यादा वास्ट सिलेबस होता नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें हैं इसके अंदर सिंपली। फिर उसके बाद में अगर हम मान लो कि बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन का अगर एक तरीके से देखें कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो बहुत रेयर आपके पास में पूछा जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है कि जितना भी पूरा का पूरा कैलकुलस है हर जगह आपके पास में फंक्शन का यूज आएगा। जो डायरेक्टली कई बार जो बेटा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस पार्ट से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये जो 1-1 ऑन टू फंक्शन है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, और एक बार तो अभी जैसे मैचिंग टाइप के वो क्वेश्चन नहीं आते जो एक मैचिंग आती थी पहले, 8 मार्क्स की एक ही मैचिंग होती थी, तो उसमें पहले इस टाइप की एक पूरी मैचिंग जो पूछी जा चुकी है, तो इस वाला जो ये पोर्शन जो उस पर आप फोकस कर सकते हो थोड़ा सा। इसके अलावा बाकी इसमें और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है।
उसके अलावा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सॉरी एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसके अंदर भाई जो जनरली जो प्रॉब्लम्स देखी जाती है वो जनरल प्रॉब्लम्स होती है। अब यहाँ पे जनरल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, जो जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है, फर्स्ट कैटेगरी जो उस तरीके के पूछे जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी के क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं वो आते हैं बेटा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो उससे भी काफी बार एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो तीन बार जो तो इससे पैराग्राफ टाइप के भी प्रॉपरली क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इन चीजों पर आप फोकस कर सकते हो। इसके अलावा जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये एक ऐसी चीज है कि कॉम्प्लेक्स का अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो उस पर भी इसको जो घुसाया जा सकता है। एक ये वाली चीज यार इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसके अंदर ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है उससे भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद में यार अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो है वो जनरली डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो वो बनते नहीं है, है ना। तो मैं इसको एक इजी चैप्टर बोलूंगा, साथ साथ में मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि जो जैसे सर ने आपको तीन कैटेगरी बताई होंगी कि भाई जो एक कैटेगरी है उसको सारा कुछ पूरा सिलेबस करना है, एक कैटेगरी ऐसी जिसको 20-30% सिलेबस छोड़ सकता है, एक वो कैटेगरी है जो सिर्फ 50-60% जो उस पर फोकस करना है। तो ये उसमें पहला चैप्टर भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पर आप लोग जो फोकस कर सकते हो क्योंकि इसका क्वेश्चन वैसे कम पूछा जाता है, बट यस मोस्टली एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है और इसका क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, ना इसका क्वेश्चन जो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, तो इसके क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो ये मैं हाँ बिल्कुल A1 A2 A3 जो हमने बात की थी, तो इसका ये वाली जो चीज है भाई इसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें हर एक कैटेगरी के बच्चे को ये वाला चैप्टर करना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज जो वो भी एक इजी कैटेगरी का मैं चैप्टर बोलूंगा, और इसकी अगर मैं आपको एक थोड़ी सी खास बात बताऊं तो इसका जब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता है तो वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, बट कैलकुलेटिव होता है जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड में चला जाता है। बट अगेन ये सारी चीजें मैं आपको बताता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, जो क्योंकि बाकी जिनको सब करना है उनको तो सब भी करना है, तो मैं उनको बता रहा हूँ मेनली जो थोड़े से वीक है मैथ्स में जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो फर्स्ट बेटा क्वाड्रेटिक हो गया एंड सेकंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में बिल्कुल जनरल जो क्वेश्चन होते हैं जैसे एपी जीपी का क्या क्या फंडे होते हैं उसी तरीके की चीज है क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी और थोड़ा सा आइडिया लगेगा। उसके बाद में जैसे पीएनसी है, पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम भी यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम तो इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जब मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा तो इसमें भी आप देखोगे कि यार एक साल तो ऐसा हुआ था कि 3-4 क्वेश्चन तो उससे पूछ लिए गए थे, और बाइनोमियल से जो यार जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सीरीज वाले सवाल, सीरीज वाले सवाल, और इसमें भी एक्सपोनेंशियल सीरीज, जैसे इस बार इसके एक्सपोनेंशियल सीरीज के कभी एडवांस में पूछे नहीं गए, लेकिन अभी आप जेई मेन में देखोगे कि जेई मेन में इस टाइप की जो फैक्टोरियल वाली जो सीरीज होती थी वो काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है वो एडवांस के लेवल का। तो यार बेटा किसी का माइक जो शायद अनम्यूट रह गया, तो प्लीज आप उसको म्यूट कर लीजिए तो सही रहेगा, ठीक है ना, तो क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है इस चीज से, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोर्शन आपका हो गया, नेक्स्ट आगे चलते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, है ना। तो मैंने आपको कितने चैप्टर बता दिए, 3 चैप्टर बता दिए जो सभी को करने हैं। फोर्थ जो आपके पास में बेटा चैप्टर रहेगा दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ये सभी बच्चों को करना चाहिए क्योंकि हाईली वेटेज वाला जो ये चैप्टर रहता है। इसके अंदर भी अगर हम बात करें कि यार इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा, तो वैसे तो आपको सारा का सारा ही करना है ना, बट ये जैसे जो एडजॉइंट और इनवर्स वाली जो पूरा पोर्शन है ये इसके अंदर एक ज्यादा वेटेज वाला पार्ट रहता है। अब जैसे इस बार जो था इसके अंदर जो क्वेश्चन तो पूछा गया था आपसे वो क्वेश्चन था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला, जैसे ये जो है ना सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स, ये जनरली वैसे जेई मेन का फेवरेबल पोर्शन रहता है लीनियर इक्वेशन वाला, बट ये अब एडवांस जो उसके अंदर भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चीज जो उसको भी आप अच्छे से देख के जाए। इसके अलावा यार जो एक चीज मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मैट्रिक्स के जनरल क्वेश्चन, जैसे मैट्रिक्स में आप ऐसा मान लीजिए कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो होता है ना उसको बहुत अच्छे से आप करना, इसके काफी सारे क्वेश्चन जो उनकी आप प्रैक्टिस करना मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की, क्योंकि रिसेंट टाइम में ज्यादातर सवाल जो इसी से पूछे जाते हैं। सर इसका क्वेश्चन बहुत लेंथी खींचता है एंड ट्रिगो भी यूज होता है, यस बेटा ट्रिग्नोमेट्री भी इसके अंदर, बट ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ढंग से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री का कोई वो यूज नहीं है कि बहुत भयंकर वाला यूज आ गया। अब यार कॉमन जो जनरल फॉर्मूलाज है वो तो आप कंपाउंड एंगल के कहीं से भी
किसी भी चैप्टर में जो यूज हो सकते हैं, तो कंपाउंड एंगल तो आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा जैसे प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स है, स्टेटिस्टिक्स अगेन एक ऐसा चैप्टर जो आपके पास में पहले जे एडवांस में नहीं होता था, रिसेंट टाइम में ये भी एक नया चैप्टर है, तो इससे भी क्वेश्चन जो बन सकता है। ये जे एडवांस वाले बच्चों की हरकतें होती नहीं है, मतलब जनरली ना कि एक बार के बाद दो बार ऐसा बोलना पड़ता हो, है ना, प्लीज। मतलब कोई और दूसरे बच्चे होते तो उनको मैं चार बार पांच बार बोल देता, समझ में आती है, बट एडवांस के बच्चों मेरे को बोलना खुद को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ना, तो प्लीज ये सब हरकतें मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट है अगेन स्टेटिस्टिक्स, जो वो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस है। अब प्रोबेबिलिटी और पीएनसी, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये दोनों मिला के आपस में हाई वेटेज वाले चैप्टर है, लेकिन अब अगर बात करूं कि क्या इसको सभी बच्चे कर सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन यार कितना भी टफ जो बनाया जा सकता है, वो एक अलग चीज है कि जैसे अभी रिसेंट टाइम में जो भी क्वेश्चन आए हैं पिछले पांच छह आठ दस सालों के, तो इसके भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के, बट जैसे 2010 में कभी पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया सवाल था, तो पहले से अच्छे सवाल जो पूछे जाते थे, बट अभी रिसेंट टाइम में से नॉर्मल जो क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए बेटा, मैं अभी पता नहीं मतलब किधर से क्या होगा ये रेस्ट्रिक्शन, तो मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा एक्चुअली ना। फिर नेक्स्ट है भैया आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के अगेन बेसिक लेवल की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको सबको आनी चाहिए इसके अंदर भी। ओके तो आगे स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो पूछ रहे मेन पॉइजन रेशियो आएगा क्या सर, प्लीज एक बार क्लियर। नहीं यार बेटा, इसके अंदर मेनली जो जनरल टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी के वो ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे बेस थ्योरम जो है उस पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी अभी अगर आपको पहले से नहीं आती है तो अब मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यार एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है, इसके अंदर मतलब अगर आप करना चाहो तो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि लेंथी काफी होता है। ऑब्वियसली बात है, जिस बच्चे के पास में टाइम है और जिसको बहुत कुछ करना है वो आराम से कर सकता है, बट अभी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसको एक लिमिटेड सिलेबस करना है, वो क्या क्या चीजें जो कर सकते हैं ना। तो ये इसमें वेक्टर एंड 3D है ना, क्योंकि 2D वाला पोर्शन जो मैं नहीं ले रहा हूँ, तो आई थिंक मैंने चार चैप्टर आपके साथ में डिस्कस कर लिए थे। पांचवा चैप्टर बेटा आपका वेक्टर है, इसको आपको करना है। छठा चैप्टर जो आपका 3D है, ठीक है। और इसके अंदर भी 3D के अंदर आपको फिक्स चीजें दे रखी हैं, बट अगेन ये चीजें दे रखी हैं वो मतलब ऐसे देखने में हो सकता है आपको सिलेबस कम लगे, बट पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप वेक्टर और 3D में अगर जाओ तो उसके अंदर जो कुछ आप छोड़ सको ना, ऐसा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है स्टेटिस्टिक्स भी आपको करना चाहिए, स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल करना चाहिए। मैंने शायद पता नहीं लिखा था या नहीं लिखा था, अगर लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये स्टेटिस्टिक्स आपके पास है ना, तो बस ये देखते जाइए जल्दी जल्दी से सिलेबस वाला, क्योंकि मेन तो मैं इंटरेस्टेड हूँ और मेन चीज जो आपके वैल्यू जो ऐड करेगी उसके अंदर जो आपको मजा आएगा वो आएगा जब पेपर में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे मतलब चीजें जो उसको अप्रोच किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में मैं अगेन आपको बोलूंगा यस, आपको लिमिट जो उसके अंदर करना चाहिए, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है और हाई वेटेज वाला यार ये भी चैप्टर जो रहता है। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन रेयर आता है, एओडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एओडी का क्वेश्चन अगेन एओडी एक ऐसा चैप्टर से कितना भी डिफिकल्ट कितना भी टफ क्वेश्चन जो बेटा बनाया जा सकता है, तो जिसने पहले एओडी नहीं कर रखा उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि अब उसको एओडी जो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेट के एक बच्चा पूरा सिलेबस आपने पढ़ाया है, यार मैंने मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो लेक्चर्स हैं वो मेरे ही है, सिलेबस के आगे के टॉपिक्स करने हैं वेक्टर 3D आपके, आप ये कह रहे हो सिलेबस से आगे के टॉपिक्स करने, नहीं नहीं सिलेबस के आगे से नहीं करने बेटा, सारा का सारा सिलेबस जब आप देखोगे ना, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको खुद फील करोगे कि जो इसके अंदर चीजें लिखी है ना सिलेबस में वो सारा का सारा वैसे ही ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल आई हैव डन टिल मेंस लेवल एडवांस तक, अगर आपने मान लो कि मेंस लेवल तक के कर रखे हैं तो अब आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने 8 चैप्टर आपको बता दिया, यस ये वेक्टर आपको मैंने वैसे पहले बता दिया कि करना है, और 3 चैप्टर बेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, और थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 11 चैप्टर्स बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। अब यार ये मिला के जो वो इनसे आप देखोगे कि हर साल 3-4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और इसमें भी मेनली जो पोर्शन आपका वो डिफरेंशियल सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अगर इसको आपने बहुत अच्छे से कर लिया बेटा तो एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंड अगेन अब डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको करना है तो ऑब्वियसली बात आपको बेसिक्स ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो वो आने चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन इंडेफिनेट का जो है वो डेफिनेट में पूछ लिया जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
ठीक है, तो यार ये सिलेबस वाली बात हो गई। अच्छा, और यहाँ पे अब जैसे मैं आपको ये वेटेज जो आपको सामने दिख रहा होगा, तो वैसे तो ये आपको फाइल जो है वो मिल जाएगी, है ना, ये फाइल जो वो मिल जाएगी। कैलकुलस नहीं पढ़ी है तुम? तो बिल्कुल नहीं यार, पढ़ो। नहीं, शुड आई डू इट? यस, बिल्कुल करना चाहिए। कैलकुलस छोड़ने के लिए मैं नहीं बोलूंगा किसी को भी। कैन वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास? यस बेटा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी और ये जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि मेरे को इस चीज इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बट यस, यहाँ से 4 साल का एनालिसिस बेटा मैंने आपके लिए किया हुआ है, तो जो जो चैप्टर मैंने आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट सबको करने हैं, उसमें आप देख भी सकते हो यहाँ से कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो है उसका बेटा यहाँ पे कितना ज्यादा वेटेज है ना, आप देख पा रहे हो इसको बहुत अच्छे से। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का वेटेज ज्यादा है, बट मैंने मना किया कि प्रोबेबिलिटी जिस बच्चे ने पहले बिल्कुल नहीं किया है उसको अब करने की जरूरत नहीं है ना, तो वो बच्चा अब उसको मत छूना। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम जो है उसमें यहाँ पे 19 जो है उसके अंदर 3-4 सवाल जो पूछे गए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख रहे हो हर बार है, क्वाड्रेटिक का फिक्स है। अब ये देखो सीक्वेंस एंड सीरीज, अगर इसके टफनेस लेवल की बात करें तो ज्यादा टफ नहीं होता चैप्टर, बट हर बार सवाल जो उससे पूछा जाता है। सिमिलर वे में यार आप बाकी के चैप्टर्स देख सकते हो। अब जैसे AOD आप यहाँ पे देखोगे तो AOD यार आपको लगेगा कि यार सर ने तो AOD जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट वाले में नहीं बोला है, मतलब करने के लिए नहीं बोला है। तो यार उसके पीछे रीजन यही है कि इसके क्वेश्चन रियल में टफ होते हैं, है ना, क्योंकि इसीलिए आपको बता रहा हूँ, छोड़ने के लिए मैंने इसीलिए बोला कि रियल में इसके क्वेश्चन जो टफ होते हैं, तो आप इस नंबर को मत देखिए। इसके अलावा भी पेपर में बहुत सारे सवाल बचते हैं, तो अगर आपने पहले कभी नहीं कर रखा तो प्लीज इसको मत करना। अच्छा, आप में से यार काफी सारे बच्चे जो चैट में बहुत कुछ पूछ रहे हैं, तो यार मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा अभी के लिए, क्योंकि मैं अभी आपका सेशन जो उस पर फोकस कर रहा हूँ। बट यस, जब जैसे सेशन कंप्लीट होगा तो प्लीज आप उस टाइम पे अपने डाउट्स पूछ लेना, तब मैं ट्राई करूंगा कि आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर जो कर सकूं। ठीक है, तो अभी अगर आप पूछोगे तो और फिर आपको लगेगा कि सर कुछ बता नहीं रहे, तो मैं आपकी क्योंकि चैट नहीं देख रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, क्योंकि अपना फोकस देखो सेशन अगर है तो वो बहुत ही हाई वेटेज वाला अपना सेशन जो रहता है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री जो उसका पोर्शन देख सकते हो, ये मैंने इसको क्यूमुलेटिव दिखाया आपको, तो आप एलजेब्रा जो उसका पोर्शन देख रहे हो तो काफी बड़ा है, तो एलजेब्रा मैंने आपको 3 चैप्टर बताए जो आपको करने हैं। अच्छा, यहाँ पे इसमें एलजेब्रा में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो वो भी इंक्लूड है, तो एलजेब्रा में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इसके अलावा बात की थी हमने क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर जो बेटा आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास में 2021 का भी ये सिमिलर वे में वेटेज दिखा रखा है, एलजेब्रा जो काफी रहती है, और ये टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में सेम है। तो अगर हम यार बात करें 2022 की, तो 2022 में आप देख पा रहे हो सिंगल करेक्ट, MCQ और न्यूमेरिकल, तीन ही टाइप के सवाल थे। 21 जो है उसके अंदर भी इनफैक्ट तीन ही टाइप के सवाल थे, इसके अलावा एक पैराग्राफ था। तो आप देख पा रहे हो कि जो ज्यादा ट्रेंड जा रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है भाई, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप, ये भर भर के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, और ये क्लास 11th और 12th का वेटेज आपके पास में होगा। अब देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। देखो अब जैसे 2022 का अगर मैं आपको एनालिसिस बताऊं तो टोटल 36 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 8 क्वेश्चन इजी थे, 16 मीडियम थे, 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो अगर आप ये सोचो कि यार 8 क्वेश्चन अगर मान लो कि आपने सिर्फ और सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन पिक किए और उनको सोल्व किया, तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं यार। मैथ्स में 8 क्वेश्चन अगर आप सही कर दे रहे हो और ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप खुद से सोच सकते हो कि चीजें जो वो आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट, ये भी आपको एलजेब्रा वाइज सेक्शन वाइज बताया जा रहा है कि किसके इजी क्वेश्चन जो 22 में पूछे गए थे 21 में इस तरीके से। अब आते हैं हम मेन पोर्शन पे, रेडी भाई सभी, है ना। अब मेरे को देखते रहना, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे, मतलब क्या थॉट प्रोसेस जो वो क्या रहता है आपका क्वेश्चन के पीछे ना, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट चीज। आ जाइए, तो पहला यार जो ये जेईई एडवांस 2022 का पेपर 1 था, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और साथ में आपको बताऊंगा भी कि पेपर में देखो कैसे इजी क्वेश्चन जो वो भी आपको आते हैं, आपके आते हैं, और उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो पहला जो सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था पहला सवाल वो ITF का सवाल था। अब जैसे मान लो कि दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं, एक वो बच्चे जिन्होंने ITF जो छोड़ रखा, तो जिसने भाई जिस चैप्टर का सवाल छोड़ रखा वो तो प्लीज सवाल को देखे भी ना, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि आपने चैप्टर छोड़ रखा और इजी क्वेश्चन है तो आप कर दोगे, नहीं कर पाओगे, फालतू में नेगेटिव मार्किंग लेके बैठोगे। तो आपको पहली चीज तो वही क्वेश्चन पिक करने हैं जो चैप्टर्स आपने, जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन किए हैं। अब अगर मान लो कि मैं उस बच्चे के हिसाब से बताऊं कि भाई जिसने मान लो कि ITF जो वो किया हुआ है, ITF किया, तो ये क्वेश्चन को देखा, मैंने क्वेश्चन को देखा तो थोड़ी सी फील इसके लिए। अब ITF के बेटा जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो ITF के क्वेश्चन में एक्चुअल में आप पहले उसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करो,
किसी एक पार्ट जो उसको थीटा मानो और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे की प्रोसीजर जो वो आप पढ़ाइए। जैसे कि सबसे छोटा एक्सप्रेशन जो मेरे को बेटा दिख रहा है, और जनरली भी छोटा भी अगर थोड़ा बड़ा भी हो तो आप टेन इनवर्स वाले को थीटा मान के इससे स्टार्ट करो। इसको देखो एक बार के लिए, अगर मान लो मैंने थीटा बोल दिया तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि भी टेन थीटा जो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू अपॉन पाई। अब इसके अकॉर्डिंग देखो मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ये एक थीटा लिखूंगा, ये पता है कि टेन थीटा जो वो आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसके बेसिस में यहां से ये वाली चीज देखूंगा पाई स्क्वायर प्लस। अब मैंने जब ये किया तो मेरे को यहां से दिखा कि अच्छा यार यहाँ पे भी ऐसा सा ही कुछ लिखा हुआ है, तो अब मैं सबको देखो थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, थीटा अपॉन टू, ये लीजिए बेटा कॉस इनवर्स। अब ये देखो रूट के अंदर रूट टू अपॉन में रूट टू प्लस पाई स्क्वायर, तो ये वाली चीज यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस आ रहा है। अब ये पता है कि भैया आपके पास में क्या होता है साइन थीटा, ये लीजिए मैंने साइन थीटा लिख दिया प्लस वन बाई फोर। अब यहाँ पे मैंने देखा कि यार इस तरीके की तो कोई चीज मेरे को यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखो नीचे पाई स्क्वायर प्लस में टू आ रहा है बट उसका भी अंडर रूट चाहिए था, तो इसका मतलब ये चीज तो यहाँ पे मेरे से कुछ बनती हुई नजर नहीं आ रही। अब सिर्फ ये कैसे और क्या मैं यहाँ पे क्या अप्रोच जो वो मेरी क्या होनी चाहिए, मेरे को ये दिख गया कि साइन थीटा नहीं बन रहा, कॉस थीटा नहीं बन रहा, क्या टेन थीटा बन सकता है क्या, क्योंकि टेन थीटा के लिए आपको क्या चाहिए रूट टू अपॉन में पाई चाहिए, तो रूट टू अपॉन में पाई और यहाँ पे देखो पाई का स्क्वायर भी आ रहा है, तो अगर मान लो कि मैं इसका स्क्वायर करूं तो टेन थीटा की वैल्यू रूट टू अपॉन पाई थी, तो टेन स्क्वायर थीटा टू अपॉन में पाई स्क्वायर आ सकता है। इसका मतलब है कि चीजें कुछ इस तरीके की बन तो सकती है जुगाड़, लेकिन उसके लिए टू अपॉन में पाई स्क्वायर पहले मेरे को बनाना पड़ेगा। ओके, टू अपॉन में पाई स्क्वायर कब बनेगा, जब मैं पाई स्क्वायर से इसको डिवाइड करूंगा। तो चलिए पहली थॉट आ गई कि पाई स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो पाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो बेटा ये ऐसा आ गया, देखिए रूट टू अपॉन में पाई आ गया, ये यहाँ पर पाई स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड किया तो वन प्लस का टू अपॉन पाई स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास में जो था वो थीटा था। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं थ्री बाई टू। अब देखो जब भी कॉस इनवर्स आ रहा है तो भाई हम ऑब्वियसली बात है कि साथ में कॉस थीटा बनाने की कोशिश करते हैं, तो साइन थीटा को आप सब जानते हो कि कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस का थीटा जो लिखा जा सकता है प्लस वन बाई फोर। अब अगर आप इस चीज को साइन इनवर्स था इस चीज को अगर थोड़ा सा देख लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा बेटा, रूट टू अपॉन में पाई जो टेन थीटा के इक्वल है, तो आप देख पा रहे हो ये टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और बेटा टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो आपको पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला होता है, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ये ऐसा आ गया प्लस का थीटा। अब आई थिंक चीजें जो वो काफी आसान है, यहाँ से आप इसको सोल्व कर पाओगे, ये आपके पास में पाई बाई टू माइनस का थीटा बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब अगेन ये जैसे यहाँ पे यार साइन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा आ गया, अब इसका मैं क्या करूं, बाकी चीजें तो अब सेट होगी क्योंकि इसको मैं ना तो उसमें कन्वर्ट कर सकता किसमें, साइन जैसे यहाँ पे तो कॉस इनवर्स था तो उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब यहाँ से जरा एक बार सोच के बताओ, एक बार जरा मेरे को चैट सेक्शन में बताओ कि अब यहाँ पे मैं क्या सर शायद साइन टू थीटा बनेगा, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या हमने, यस 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 बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, साइन टू थीटा बनेगा, साइन टू थीटा बनेगा, साइन टू थीटा, सॉरी क्योंकि हमने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, साइन टू थीटा बनेगा यस। तो इसका मतलब बेटा ये क्या बन गया आपके पास में, वन बाई फोर आ गया, वन बाई फोर क्योंकि साइन टू थीटा जो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ था यहाँ पे टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना, तो ये यहाँ पे टू थीटा आ गया और ये लीजिए प्लस का थीटा। अब देखो शायद जीवन आसान हो चुका है, थ्री पाई बाई फोर है, माइनस का थ्री थीटा बाई टू था यहाँ पे, और ये भी थ्री थीटा बाई टू, ये लीजिए खत्म, थ्री पाई बाई फोर आंसर आ गया, पाई की वैल्यू डालना 3.14 जो आएगा वो न्यूमेरिकल टाइप का आंसर होगा, ठीक है क्या, ठीक है। तो ये पहला सवाल था। अब देखो एक चीज सोचो, इस सवाल में कुछ भी बेटा ऐसा नहीं था जो मैंने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स किया, या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जो स्टैंडर्ड वे जो होते उससे हटके था, ये सुनो सारी चीजें मैंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से गया सोल्व हो गया। चलिए अब आगे चलते नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल। अब ये देखो अगेन लिमिट का सवाल है, देखो आपको हर पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे अगर मान लो कि आपसे कोई ये चीज पूछ रहा है बेटा, तो इसका मतलब कि आप पहली चीज तो इसको लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो, इसका मतलब अभी आपको एफ एक्स उसको देखना ही नहीं है, एफ एक्स छोड़ो क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, अब आपको सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन देखना है। अब इस एक्सप्रेशन में एक्स वो अल्फा को टेंड कर रहा है, तो एक्स जब मैंने अल्फा को टेंड करते हुए देखा तो मैंने देखा कि एक्स की वैल्यू अगर मैं अल्फा अगर बेटा यहाँ पे डालूंगा तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। अब बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका होता है कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को आप कैसे सोल्व करते हो, लोपिटल रूल से, देखते जाना कुछ भी चीज अगर ऐसी आए कि आप फंस रहे हो वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ो आगे बढ़ो। अब जैसे मान लो कि मैंने ऐसे किया
है ना, क्योंकि मैंने पहली चीज देखी कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, तो मैं इसको सोल्व करने की ट्राई करूंगा कि भाई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है लोपिटल रूल। तो मैंने इसका देखा कि भाई अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एल्फा आया, फिर रूट एक्स जो है उसका भाई मैंने देखा कि जो डेरिवेटिव वो वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, यानी ऐसा मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे फिर से जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो वन अपॉन में ई की पावर बेटा अंडर रूट एक्स आया, माइनस में ई की पावर अंडर रूट एल्फा आया, और ई की पावर रूट एक्स जो उसका ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू में वन अपॉन टू रूट एक्स। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो वन अपॉन टू रूट एक्स से ये खत्म हो गया। अब देखो, अब जो चीजें इसमें फाइनाइट आ चुकी हैं उनको तो खत्म करो किस्सा। जैसे एक्स के लिए अल्फा डालेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, रूट अल्फा बनेगा। तो अब देख क्या इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, बहुत आराम से ले सकता हूँ। ऊपर एक टू था उसको भी मैंने बाहर ले लिया। जो जो चीजें एक फाइनाइट नंबर आ चुका है उसका किस्सा आप खत्म कीजिए, ऐसा बन गया। अब देखो जरा ये ऐसा आ गया, ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस में ई की पावर अंडर रूट अल्फा। साथ साथ में बेटा मैं कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता जाऊंगा, तो जो कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगे ना वो लिखते जाना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको साथ साथ में सिखाऊंगा। बहुत कुछ आप आज इस छोटे से सेशन से सीख के जाने वाले हो, ध्यान रखना इस बात का। आ जाइए अब यार एक बात बताओ जरा मेरे को, यहां से एक जरा छोटी सी बात बता दो कि ये जब भी e की पावर x आता है तो दो अप्रोच अब वापस से हो सकती है। एक तो हो सकता है कि x की वैल्यू जब आप अल्फा डालोगे तो 0/0 फॉर्म बने, यानी अगेन आप एक बार और लोपिटल जो आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो इस अप्रोच से जाऊं मैं, है ना, दो अप्रोच मेरे माइंड में आ सकती हैं। एक तो ये आ गई और दूसरी मेरे पास में e की पावर x माइनस वन वाली जो चीज थी वो भी आ सकती थी। तो अगर e की लोपिटल से मैं अगर दोबारा जाऊं तो e की पावर देखो रूट एक्स आ गया और ये लीजिए वन अपॉन में टू रूट एक्स, और नीचे वाले का करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स। किस्सा खत्म, ये लीजिए इससे ये खत्म। x की पावर एल्फा डालेंगे बेटा तो ये एल्फा खत्म, तो ये e की पावर रूट एल्फा, e की पावर रूट एल्फा से खत्म, यानी कितना बच गया टू। यानी कि x की वैल्यू अल्फा डालने पर जी एक्स वो टू को टेंड कर रहा है, यानी ये क्या बन गया एफ ऑफ टू बन गया। अब एफ ऑफ टू यहाँ पे डालेंगे तो ये साइन पाई बाई सिक्स बन गया, साइन पाई बाई सिक्स कितना आता है 0.5। ये लो किस्सा खत्म। बोलो आसान था कि नहीं ये सवाल, आसान था कि नहीं ये सवाल, आसान था। तो अब देखो इसके अंदर जैसे आपने लोपिटल लगाया और क्या अप्रोच आ सकती थी, आप e की पावर रूट अल्फा कॉमन ले लेते, e की पावर x माइनस वन वाली जो स्टैंडर्ड चीज है वो बना सकते थे, है ना। तो इस तरीके से थॉट प्रोसेस का सारा खेल। अगला सवाल दिखाता हूं आप। अब देखो जेई एडवांस में बिल्कुल एक अगली इंपॉर्टेंट टिप बेटा मैं आपको देना चाहता हूं, और वो इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि जेई एडवांस का सवाल देखने में बड़ा हो तो उसको प्लीज सीधा सीधा मत छोड़ देना। जेई एडवांस का सवाल जो है वो देखने में डरावना होता है, बिल्कुल डरावना होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आप उसको देख के छोड़ मत देना, उसको ट्राई जरूर करना। अब देखना इस सवाल को मैं क्या प्रोसेस करूंगा। पहली चीज मेरे को दिख रही है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो अब यहाँ पे पहली चीज तो बहुत आसानी से मैं देख पा रहा हूँ कि भाई सेट का यूज हो रहा है यहाँ पे। देखो देखना एक मिनट, थोड़े अच्छे से मैं डायग्राम बनाता हूँ एक बार, है ना, थोड़ा अच्छा सा एक डायग्राम बनाता हूँ इस पे ताकि आपको चीजें बहुत क्लियरली जो वो विजिबल हो। अभी तक देखो जो आपने दो सवाल किए, दोनों सवाल में कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स बेटा चीजें जो नहीं पूछी गई थी, है ना, राइट। अब देखना जरा, इसके पहले मैंने तीन सेट बना ली क्योंकि मेरे को तीन सेट की जरूरत थी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या क्या चाहिए आपको। एक फीवर वाले लोग है, एक कफ वाले लोग है, एक ब्रीदिंग वाले लोग। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अब देखो एक एक, अब इसके अंदर जब भी आप के पास बेटा तीन सेट वाला सवाल आता है ना, इस बार क्योंकि सेट थ्योरी जो वो भी आपके सिलेबस में ऐड हुई है, तो आप पहले सबसे पहले आप हमेशा ट्राई कीजिए कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है ना, जो तीनों का कॉमन पार्ट, उसकी वैल्यू से आपको स्टार्ट करना है। या तो वो दो ही चीजें, या तो वो सवाल में गिवन होगी या नहीं आपको फाइंड करनी होगी, तो आप एक्स लिख दीजिए, बट देख लेते एक बार गिवन है कि नहीं। तो यहां पे देखो लिखा 30% हैड ऑल थ्री सिम्पटम, तो ये तीनों का कॉमन पार्ट था, ये 30 आ गया। पहले तीनों का कॉमन पार्ट जो बेटा उसको फिल करना होता है, उसके बाद में जो दो दो का कॉमन पार्ट है उसको फिल करो। जैसे अगर मान लो मेरे को ये क्या चाहिए, ये पूरा पोर्शन जो वो क्या है, वो है एफ इंटरसेक्शन सी। एफ इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या लिखते हो, एफ प्लस सी माइनस एफ यूनियन सी। एफ का मतलब क्या बेटा, फीवर कितने लोगों का है, 190 को है। फिर कफ कितने लोगों को है, 220 को है। एफ यूनियन सी का मतलब क्या है, जिनको कफ हो या फिर जिनको फीवर हो या फिर जिनको दोनों हो, यूनियन का मतलब ये होता है। तो कफ और फीवर वाले बेटा है 330। अब ये कैलकुलेटिव सवाल है, अब देखो ये कैलकुलेशन है बस। अब ये कितना बनेगा, 220 माइनस 330 110,
और 110 यार इसमें से माइनस करेंगे तो 80, कैलकुलेशन भाई आप संभाल लेना थोड़ी सी, है ना। तो ये पोर्शन इसका जो फीवर और कफ का जो पोर्शन है टोटल उसकी वैल्यू 80 आनी चाहिए थी, उसमें से 30 मेरे पास में यहाँ पे आ गया, तो ये कितना बच गया बेटा 50। अब कफ और ब्रीदिंग में आ जाओ, कफ और ब्रीदिंग में भी सेम यही चीज लगेगी, तो कफ वाले आपके पास में जो लोग हैं टोटल 220, ब्रीदिंग वाली जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑल्सो 220, इसमें से माइनस करनी है जिनके कफ और ब्रीदिंग और दोनों है, ये है 350। तो ये देखो कितना बना, 440 माइनस का 350, 90, यानी ये 90 बनना चाहिए था, उसमें से 30 ऑलरेडी आ चुका है तो ये 60 बन गया। अब बन गया कौन सा, फीवर और ब्रीदिंग वाला, तो फीवर कितने हैं 190 प्लस ब्रीदिंग बेटा कितना था 220, माइनस क्या करेंगे जिनके फीवर है या ब्रीदिंग है या दोनों है, ऐसे कितने 340 आई थिंक। अब ये देख लेते कितना बनेगा, 220 प्लस 190 यानी 320 और 410 आई थिंक बन रहा है, 410 माइनस 70 बनेगा शायद, है ना 70, ये 30 पहले आ चुका तो ये लीजिए 4। अब उसके बाद में सिंगल वाला, तो फीवर देखो टोटल 190 लोगों को था, ये फीवर वाला सेक्शन है, उसमें से कितना बेटा आपने कवर कर लिया, 120 कवर कर लिया, तो ये कितना बचा 7। कफ वाले में आ जाओ, कफ भी 220 को है, कितना कवर कर चुके हो 80, 140 कितना बच गया 80, तो ये 80 यहाँ पे। फिर ब्रीदिंग में आ जाओ, ब्रीदिंग में 220 थे तो 60 प्लस 30 90, 130 और 130 है तो ये 90 बच गया। अब टोटल आपके पास में 900% थे बेटा, 900% में से अगर ये माइनस करोगे, 900 में से ये माइनस करोगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा आसानी से। टिल आंसर में पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं इसको, ना ऐसा आ गया। अब देखो सवाल में क्या पूछा है, इफ ए पर्सन इज चूजन रेंडमली फ्रॉम दीज, ये सपोज ये जो बाहर वाला आपने फाइंड किया वो कुछ एक्स आ गया, अब पूछा है कि इनमें से एक पर्सन रेंडमली चूजन किया गया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम, तो इसका मतलब नीचे तो टोटल आ जाएगा, टोटल आपके पास में 900 लोग थे, अब ऊपर क्या आएगा एट मोस्ट, यानी मैक्सिमम एक सिम्टम आना चाहिए, मैक्सिमम एक का मतलब क्या है, या तो एक सिम्टम होगा या जीरो। तो ये देखो एक सिम्टम वाले कौन कौन है, 70, 80, 90, ये वो है जिनके एक एक ही सिम्टम है, यानी 70 प्लस 80 प्लस 90। अब मैक्सिमम एक बोला यानी कि इसके अंदर वो भी लेना है जिसका कोई सिम्टम नहीं है, वो कौन है एक्स, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगेन ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बेटा। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे सवाल को अप्रोच करना होता है। अब देखो ये जैसे सवाल है, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, ये जब भी आपको ऐसा बोला जाता है कि बेटा रियल है, रियल का मतलब बहुत ही आसान सी चीज है कि इमेजिनरी पार्ट उसका क्या है, जीरो है। ओके, तो आप सबसे पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा देखिए, एक्सप्रेशन जो है ना उसको थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपने सवाल देखा तुरंत जो वो आप चलाने लग गए, एटमोस्ट और एटलीस्ट में डाउट रहता है, प्लीज एक बार बता दीजिए बेटा। देख एटलीस्ट का मतलब तो होता है यूनियन, है ना, एटलीस्ट जैसे आपको ए और बी इसमें से बोला जाए कि एटलीस्ट एक में है, तो एटलीस्ट एक का मतलब कि दोनों में भी हो सकता है, तो ए बी और ए यूनियन बी। एटमोस्ट का मतलब कि दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो, एटमोस्ट का मतलब कि जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो इस टाइप का जब सवाल आता है तो बेटा कई सारी अप्रोच होती है, मैं आपको एक एक करके अप्रोच बता देता हूँ क्या क्या हो सकती है। जब भी आपके पास में ऐसा बोला जाता है कि भाई प्योरली रियल है तो एक चीज आप कर सकते हो, जेड इक्वल्स टू जेड बार, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें वो अप्लाई नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, जब छोटा एक्सप्रेशन होता है तब करते हैं। अब एक और चीज मेरे माइंड में क्या आ सकती है कि यार ऊपर और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो देखने में थोड़ा सा सेम है, तो क्यों ना इसको मैं थोड़ा सा पहले यहीं पे सिंप्लीफाई कर लूं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूं, मैं यहाँ पे माइनस का 3z कर दूं और प्लस का 6z कर देता हूं। अब अलग अलग अगर डिवाइड करेंगे तो एक 1 बन गया, एक बन गया बेटा अपने पास में 6z डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 3z प्लस 4z इस पर। अब ये बोला गया था पूरा रियल है, तो रियल है तो ये 1 तो रियल है, इसको हटाओ, इसका मतलब ये भी रियल होना चाहिए, इतनी बात पता चल गई। और क्या सिंप्लीफाई कर दूं इसको, जितनी टर्म्स हम जेड से फ्री कर सकते हैं बेटा उतनी टर्म्स को जेड से फ्री कर दो आप सबसे पहले। अब देखो जेड से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये क्या मिलेगा, 4z मिलेगा, प्लस का 2z मिलेगा, माइनस का 3 आएगा, ऐसा आ गया। अब इसके अंदर क्या है, ये 6 रियल है, 3 भी रियल है, ओवरऑल ये नंबर रियल चाहिए, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि भाई 4z प्लस का 2z जो है वो रियल आना चाहिए, बोल सकता हूं ऐसा। ओके, अब इसमें से भी 2 कॉमन ले ले तो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई 2z प्लस का 1/z जो है वो रियल आना चाहिए, जी सर। अब तो यार बहुत आसान बात है, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दो, यहाँ पे भी देखो एक्स प्लस आयोटा वाई डाल के इसको रेशनलाइज कर दो, तो एक्स माइनस का आयोटा वाई कॉन्जुगेट से बेसिकली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा आ गया।
अब अगर ये प्योरली रियल है इसका इसका इमेजनरी पार्ट जीरो होगा। अब इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, टू वाई माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो किया तो मैंने इसको इधर भेज दिया। अब y को कैंसिल आउट कर दो, क्यों, क्योंकि इसने बोला था y जो वो तो भाई नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये देख x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो उसकी वैल्यू बेटा 1 अपॉन 2 आ गई। तेरे को क्या पूछा था, x mod z, ये mod z का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ये ले 0.5 आंसर आ गया। अब बता कॉम्प्लेक्स नंबर नोट आउट थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट अगर मान लो कि आपने बेसिक लेवल पे अच्छी चीजें पढ़ी, इसीलिए मैंने बोला था कि जनरल प्रॉब्लम जो वो बेटा ज्यादा पूछी जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल। अब अगर मान लो कि मैं सवाल को देखता हूं तो मेरे माइंड में क्या चीज आती है कि भाई इसने पूछा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो मेरे को दो चीजें दिख रही है, इसमें टोटल चार टर्म है, उनमें से दो टर्म ऐसे हैं जिनके साथ में जेड बार आ रहा है। दो टर्म बेटा ऐसे हैं सर, एग्जाम में प्रेस में सब हार्ड लगता है, डर घबराहट बहुत होती है। बिल्कुल बेटा मैं इस चीज से डिनाई कर ही नहीं रहा, मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि एग्जाम में हार्ड नहीं लगता, लगता है, लेकिन वही तो प्रेशर कैसे हटेगा, चीजों को कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, वही तो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि सवाल को देख के उसको अप्रोच कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे मैं आपको ये सवाल ऐसे कर दे रहा हूँ तो ये सवाल बहुत आसानी से तुम भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट आपको अप्रोच मैं आपका मेरा यहाँ पे मकसद जो वो सवाल सोल्व करना है भी नहीं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना सर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई लेकर कर सकते, अब देखो स्टार्टिंग से अगर मान लो तुम कॉम्प्लेक्स को उस वाले सवाल में एक्स प्लस आयोटा वाई लेकर करते तो वो बहुत डिफिकल्ट होता। अब इसमें आप एक्स प्लस आयोटा वाई लेकर कर सकते हो, बिल्कुल एक्स प्लस आयोटा वाई लो, रियल पार्ट को रियल के इक्वल करो, इमेजरी को इमेजरी, एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि एक जेड के साथ में बार आ रहा है, एक के साथ में बार नहीं आ रहा, तो पहले मैं कंबाइन कर लूंगा। अगर मान लो कि एक वो टर्म ले लेता हूं जिनके साथ बार आ रहा है, तो इधर मैंने लिया तो ये वन माइनस का आयोटा बच गया। दूसरी तरफ मैंने वो ले ली जिनके साथ में बार नहीं आ रहा, तो ये कितना आ गया, आयोटा प्लस का आई थिंक वन आ गया, ये बन रहा है, ठीक लिखा है ना हमने, ऐसा आ गया आयोटा प्लस का वन आ गया। अब देखो यहां से जैसे क्या क्या, अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में पॉसिबिलिटीज क्या उनके बारे में मेरे को थोड़ा, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, हाँ ठीक है लिखा है आयोटा ना, ओके। अब मैं एक चीज क्या कर सकता हूँ, देखो या तो मेरे पास में इधर दोनों जगह सेम बातें बन जाती, तो वो कब बन सकती है, आयोटा अगर कॉमन ले लूं तो जेड स्क्वायर इंटू में वन माइनस का आयोटा, ये लीजिए जेड बार इंटू में वन माइनस आयोटा। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में दिक्कत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि हम जैसे सवाल देखते हैं तो तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दो एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसा नहीं करना बेटा। तो अब देखिए इससे ये कदम, इसका मतलब देख अब क्या आ गया यहां से, जेड बार इज इक्वल टू आयोटा इंटू में जेड स्क्वायर, क्योंकि आप पहले जितना करीब जाके उसको बेटा सोल्व करोगे क्वेश्चन को उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। अब देख यहाँ पे फिर से वही, या तो x प्लस आयोटा वाई डाल दो, या एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जब बेटा आप सोल्व करते हो तो एक अप्रोच होती है कि दोनों साइड आप मॉड्यूलस ले लो। तो अगर मान लो मैं मॉड्यूलस यहाँ से लू, अब ये अप्रोच आपके लिए तभी डेवलप हो पाएगी जब आपकी बहुत प्रैक्टिस है, इससे ये जो मॉड्यूलस वाली है ना इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए काफी। अब अगर मान लो मैंने लिया तो आपको पता है कि मॉड्यूलस जेड और जेड बार का सेम होता है, तो जेड आयोटा का वन हो गया, ये लीजिए जेड स्क्वायर, यानी यहां से बेटा दो वैल्यूज आ गई, जेड मोड जेड इक्वल टू जीरो एंड मोड जेड इज इक्वल टू वन, आई थिंक ऐसा आ गया। अब देखो यहां से जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड जीरो है तो वहां से तो क्लियर है कि बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो जीरो ही रहा होगा। अब दिक्कत आती है ये, तो एक सोल्यूशन तो मिल गया, अब मोड जेड इज इक्वल टू वन मेरे पास में आया है, इस चीज से मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड जेड बार इज इक्वल टू वन लिख सकता हूँ एक बात। अब आ जाओ, अब देखो जेड जेड बार वन आ गया, तो ये यहां से आ गया वन अपॉन जेड, जेड बार की जगह वन अपॉन जेड लिख सकता हूं, आयोटा जेड स्क्वायर। अब देख बेटा जेड क्यूब की वैल्यू यहां से माइनस का आयोटा आ गया। अब देखो जो मैं एक जो नॉर्मल आदमी जो गलतियां करता है उसकी वो क्या गलतियां होती है उसको मैं बता देता हूं आपको, वो क्या करता है, जेड क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा आ गया, अब वो इस इक्वेशन को सोचता है कि यार ये क्यूबिक इक्वेशन मैं कैसे सोल्व करूं, या फिर वो सोल्व करने बैठ जाता है, लेकिन नहीं करना बेटा, क्यूबिक इक्वेशन उसके तीन रूट आएंगे, क्या दिक्कत है, एक क्यूबिक इक्वेशन उसके तीन रूट आएंगे, आपको यहाँ पे एग्जाम जो है उसके अंदर अपना ज्ञान नहीं दिखाना कि कितना है, यहाँ से तीन रूट आएंगे, एक रूट यहाँ से आ गया, ये ले भाई टोटल चार रूट आ गए, खत्म हो गया, यही पूछा था, किस्सा खत्म, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल था, नोट आउट कॉम्प्लेक्स का अच्छा सवाल था, इजी नहीं बोलूंगा मैं इसको। ये लीजिए आपका जो सबसे पसंदीदा एक चैप्टर होता है सिक्वेंस एंड सीरीज, उसका सवाल। अब देखो सिक्वेंस एंड सीरीज में उसके पास में एग्जामिनर के पास में डिफिकल्ट बनाने का ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन को लेंथी बनाता है, वो क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाता है। अब इस क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट वाइज अगर मान लो मैं आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट वाइज बेटा अगर मान लो मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर देखना क्या है,
L1, L2, L3 ये सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी में, कॉमन डिफरेंस है D1, ठीक है समझ में आ गई। W1, W2 एक दूसरी एपी है, ठीक है समझ में आ गई, डिफरेंस D2 है, बहुत बढ़िया। D1, D2 का प्रोडक्ट 10 गिवन है, बहुत अच्छे। I1 ये सब दे रखा है। RI भी द रेक्टेंगल विद लेंथ, ठीक है भाई, कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ LI है, विड्थ जो WI है, एरिया AI है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो ये पूछा आपको A51, A51 का मतलब क्या होगा, एरिया आपको लिखना नहीं आता क्या, लिखना आता है। AI जो वो क्या होता है, LI होता है और WI होता है। अब AI A51 इसके अंदर वैल्यू डालो ये, तो ये देखो कितना आया, L51 माइनस का L50 W50 इज इक्वल टू 1000। अब देखो कैलकुलेशन जो उसको भी करने के स्मार्ट वेज होते हैं, देखना जरा। L51 का मतलब क्या, इसकी 51 टर्म है तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, बहुत आसान बात होती है, तो A प्लस में आई थिंक ये 50 D1 बन गया। सिमिलर वे में बेटा ये बनेगा W1 प्लस का 50 D2 माइनस, ये आपके पास में बनेगा बेटा L1 प्लस का 49 D1, ये आपके पास में बनेगा बेटा W1 प्लस का 49 D2। अब देखना कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूं इसकी 1000। अब देखो आप पहले देखिए कि L1 W1 यहां पे भी आ रहा है, L1 W1 यहां पे भी आ रहा है, तो ये तो खत्म हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अब इसके बाद में जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो L1 D2 आएगा, यहां से भी L1 D2 आएगा, यहां से 50 टाइम्स है, वहां से 49 टाइम्स है, तो ये माइनस होगा, तो एक L1 D2 आगे आ जाओ। अब इसमें देखो D1 W1 यहां से आएगा 50 टाइम्स, यहां से अगेन आपके पास में D1 W1 आएगा यहां से 49 टाइम्स, तो 50 माइनस का 49 जो वो कितना होता है 1, यानी ये बन गया आपके पास में बेटा कितना D1 W1। आगे ये देख 2500 D1 D2, ये 49 का स्क्वायर, तो अब देखो इसको ऐसा 49 का स्क्वायर ये अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना होता, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाइए बेटा इसमें, तो ये प्लस का 99 बन गया। D1 D2 की वैल्यू 10 दे रखी है, ये ले 1000। तो देख पहला रिजल्ट आ गया, L1 D2 प्लस का D1 W1 इज इक्वल्स टू 990, ये इधर करेंगे तो बेटा कितना आएगा 810। ये आपके पास में एक रिजल्ट आपको मिल गया। अब दूसरी चीज बस सिंपली आप ये देखिए, अब कई बार क्या होता है कि हम यहां से इसको फाइंड करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि मैं L1 फाइंड कर लूं, D1 फाइंड कर लूं, D2 फाइंड कर लूं, और ये सब जो भी है मतलब ये सब चीजें मैं फाइंड कर लूं, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, ये सब फाइंड करने की जरूरत होती नहीं है आपको, बहुत सारी बार आप तो इसको लिखिए सिंपली, इसकी इसकी वैल्यू इसको इसको लिखोगे तो क्या आएगा, देखो अब चेंजेस कहाँ आएंगे, चेंजेस बताओ बेटा क्या कहाँ आएंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर ये चेंजेस आप ये अगर लिखोगे तो आपको सिंपली बस ये लिखना है और कुछ नहीं करना। A100 आप लिख सकते हो, है ना, A100 लिखोगे तो आपको पता है कि भाई L1 प्लस में 99 D1 आएगा और इनटू में क्या होगा बेटा, ये साथ में इसकी वैल्यू जब डालोगे तो ये कितना आएगा आपके पास में W1 प्लस का 99 D2 आएगा, फिर माइनस का करोगे तो L1 प्लस का 89 D1 आएगा, फिर W1 प्लस का 99 D2 आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन अगेन उसी तरीके से करनी है तो डायरेक्टली वैल्यू जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 99 इंस्टीड ऑफ, हाँ वो बेटा 10 की वैल्यू भी डाल दिया ना मैंने इसलिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करना था। अगला सवाल, अब ये देखो पीएनसी का सवाल है भाई, पीएनसी का सवाल। अब पीएनसी में जो काउंटिंग वाले जो सवाल होते हैं वो जनरली आसान होते हैं और जल्दी कर सकते हो। अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए इसका बीच वाला नंबर, चार डिजिट का होना चाहिए। पहले डिजिट में एक बार 2 फिक्स करूंगा, एक बार 0 फिक्स करूंगा बेटा, एक बार 2 फिक्स करूंगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से बड़ी चाहिए, सॉरी 2 को इंक्लूड भी कर सकते हो। डिजिट कौन कौन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पांचों में से कोई सी भी लोगे तो हमेशा इनके बीच में आएगा, खत्म किस्सा, आ जा फिर से। अब मैंने यहाँ पे मान ले 2 को फिक्स रखा बेटा, 0 को फिक्स रखा, अब 2 की जगह, 2 तो क्योंकि मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूं। अब देख इनमें से अगर तू 3, 4, 6, 7 इनमें से अगर तू कोई सा भी नंबर लेगा तो वो हमेशा इनके बीच में आएगा, यस और नो। और लास्ट में तू 6 में से कुछ भी ले ले तो ये 24 बन गए। फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 को फिक्स रखा, अब 0 तो मेरे पास में आ चुका है, तो बेटा 0 की जगह अगर इन 5 में से कोई सी भी डिजिट लेगा तो क्या इनके बीच में नंबर लाई करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो बाकी की 2 डिजिट पे आप इनमें से कुछ भी ले लो, ये 180 आ गया। अब 2 की जगह 3 अगर तू लेगा तो 3 से स्टार्ट वाले होने वाले तो जितने भी नंबर है सब इनके बीच में आएंगे, यानी 6 × 6 × 6 वे से आप कुछ भी ले सकते हो, 216। फिर अब 4 की बारी आ गई, 4 में भी देख क्या है, 4 में तेरे को यहाँ पे 4 चाहिए। एक बात बता बेटा,
अगर मैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3 सॉरी 1 तो है नहीं, 0, 2, 3, 4 इनमें से अगर इस पोजीशन पे कोई सी भी डिजिट ले आऊं तो क्या वो नंबर हमेशा इनके बीच में लाई करेगा? जी सर करेगा, 4 आएगा तो भी करेगा क्योंकि मैक्सिमम डिजिट ही आपके पास में 7 है। तो इस प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बेटा? 4, और बाकी के लिए 6 × 6 ये लीजिए 144। अब अगर मान ले पहली पोजिशन पे तूने 4 फिक्स कर दिया, दूसरी पोजिशन जो उस पे तू 4 फिक्स कर दे, अब देख 4 फिक्स कर दिया तो अब तू इनमें से कोई सी भी डिजिट ले ले बेटा, हमेशा वो इससे कम ही आएगा। ये ले कितना हो गया, 4 तो मैं सॉरी ऑलरेडी ले चुका हूं, अब 4 के बाद में और कोई ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता। तो बस ये आई थिंक यही हो गया, बस इनको कैलकुलेट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चैट देखूं थोड़ा सा आपकी, एक मिनट, क्या क्या कर रहे हो तुम चैट में? हाँ जी प्रयास में, अर्जुना में, बेटा ये प्रयास अर्जुना वाले बच्चे आ गए क्या? ये तो काफी गड़बड़ हो गई मतलब। ये थोड़े गड़, ये थोड़ी गलत चीज हो गई मतलब ये। हाँ बिल्कुल, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नोट आउट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट है ना, बट ठीक है, भगवान ने फाइनली तुम्हें मतलब सही जगह भेज दिया है ना, तो होके आ गए हो दुनिया घूम के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अच्छा कोई ये तो अब नहीं बोलेगा ना कि सर मतलब गाना गा के दिखाओ, शायरी सुना के दिखाओ, नाच के दिखाओ, ऐसा तो नहीं बोल देगा ना तुम्हें से कोई, ऐसा तो नहीं बोल देगा ना कोई। हाँ ऑब्वियसली बात है, रिया जायसवाल बेटा मेरे को पता है रिया जायसवाल मेरे को पता है, कृपांश कह रहे सर मैं बोलूंगा बट मैं नहीं करूंगा। कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं किया है तो उसके बेसिक्स करूं या नहीं? उसके बेसिक्स यार आप मतलब सब होना चाहिए है ना, मतलब सब, या तो क्योंकि बेसिक से काम नहीं चलेगा ना, मतलब थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा डीप में उसके आपको जाना पड़ेगा, उनको सब लपेटना। नहीं भाई मैं किसी को कुछ लपेट नहीं रहा हूँ ना, बस मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि एडवांस के जो बच्चे आते हैं ना तो यस रिया जायसवाल बेटा सब अच्छा, सब बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं मतलब बहुत अच्छा है ना। देखो जिससे आपको फायदा हो जाए ना वो बेस्ट है ना, और कुछ मोटा मोटी बात यही है ना, तो ठीक है। बाकी तो क्या ही है, सब मोह माया है। नहीं वो कुछ बच्चे आए थे, वो कह रहे थे हम अर्जुना से हैं, कुछ कह रहे थे हम वहां से हैं, तो मैंने बोला कि भाई फिर अब नाचने वाचने शायरी वायरी के लिए मत बोल देना तुम, है ना। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं ना, अपना काम करते हैं, तो बाकी तो सब चिल माहौल है ना, जो फालतू की वो करने, बस अब चैट रोक दो थोड़ी देर के लिए, वापस से आ जाते हैं बैक टू वर्क, आ जाओ इन चैप्टर्स के लिए बिल्कुल। हाँ यार देखो जो चैप्टर्स आपको करने हैं है ना, जो जितना परसेंट सिलेबस आपको करना है उनके प्लीज आप वो जो है वो देख के जरूर जाना है ना, वो आप देख के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं है ना आगे की कहानी। प्लीज अब थोड़ी देर चैट बंद कर दीजिए क्योंकि उससे आपको डिस्टर्बेंस ही होगा, और देखो अगर यार आपको ये सब चैट वैट करनी हो ना तो मेरे हिसाब से इसका कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे ना। मैं तो अपनी क्लासेज में यही आपको बोलूंगा कि लास्ट में आपके डाउट में ले लूंगा, और उससे पहले आप मेरी सुन लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा शायद, है ना, क्योंकि वही चीज आपके लिए काम में आएंगे, है ना। तो बस वो चीज आप प्लीज कीजिए, है ना। नाइस, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तुरंत मान जाते हैं बात को। अच्छा अब देखो यार जो अगला सवाल है इसमें बोला गया एबीसी एक ट्रायंगल है, एबी की लेंथ आपको 1 दे रखी है, एसी की लेंथ आपको 3 दे रखी है, और बीएसी जो आपको पाई बाय 2 दे रखा है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बेटा बात कर रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, लाइन टेढ़ी हो गई है ना, मेरे को एक्चुअली ये बैठ के पढ़ाने वाला थोड़ा सा ये मैंने कम किया ना, डिजिटल बोर्ड पे तो मेरी राइटिंग देखोगे तो फैन ही हो जाओगे ना, यहाँ पे शायद थोड़ी इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे यार बोला गया कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबी और एसी जो वो दो साइड्स आपको दे रखी है, तो हम ऐसा बोल देते हैं ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं ना, राइट। देखो जब जे एडवांस बेटा सवाल आता है और राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके की बातें बोलती जाती है ना, तो आप हमेशा कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसका रेफरेंस लोगे ना तो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रेफरेंस जो है ना वो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसी चीजें ना उनका आप रेफरेंस लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें बोला गया है कि भाई बी एस सी यानी कि ये ए है
और इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ। अब बोला गया इन ए सर्कल, इफ ए सर्कल आर टचेज द साइड ए बी ए सी एंड ऑल्सो टचेज इंटरनली द सर्कम सर्कल, यानी एक तो सर्कम सर्कल की बात कर रहा है, एक सर्कम सर्कल की बात कर, तो सर्कम सर्कल में पहले ड्रॉ कर देता हूं ऐसा। फिर बेटा एक और सर्कल की ये बात कर रहा है यार, यहां पे एक और सर्कल की मैं अलग कलर ले लेता हूं थोड़ा सा, एक और सर्कल की बात कर रहा है, कौन सा सर्कल जो कि टच कर रहा है साइड ए बी को टच कर रहा है ना, ए बी जो उसको टच कर रहा है, ए सी जो उसको टच कर रहा है एंड ऑल्सो टचेज इंटरनली, यानी कि इस तरीके का कोई एक माहौल है भाई, इस तरीके का एक माहौल है। अब जो सर्कम सर्कल है उसका तो यार आपको पता है कि सेंटर जो वो बीसी पे हिलाई करता है। अब देखो ये करने से क्या हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानने पे क्या हुआ, ये 1.0 आ गया, ये 0.3 आ गया, तो ये जो बड़े वाला सर्कल है बेटा इसका सर्कम सर्कल मिल गया आपको 1/2, 3/2। अब देखो अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो ये प्योरली ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अब इसमें जो हम जो सर्कल वगैरह पढ़ते हैं ना उसका यार इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, तो इस टाइप के सवाल में एक्चुअली दिमाग जो वो काफी लगाना पड़ता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका आपके पास इस तरीके का बेटा ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो आप एक बार फट से डायग्राम उसका ड्रॉ कीजिए और थोड़ा सा उसको 10-20-30 सेकंड दीजिए, अगर आपका माइंड चलता तो ठीक है, अदरवाइज को छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो वो हो पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और कॉन्सेप्ट वाइज की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ इसके अंदर होता नहीं है, इसके अंदर आप सिंपली क्या करो, जो छोटे वाला सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पे कहीं मान लो, इसको ज्वाइन कर लो और ये वाली डिस्टेंस जो वो निकाल लो, ये डिस्टेंस बड़े वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस आपको पता है 1/2 और 3/2, 1.0 के बीच की डिस्टेंस कितने बेटा, √10/2, तो इस तरीके की ये डिस्टेंस आप जो वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं भी जो है सेंटर बीसी पे, क्यों बेटा जो सर्कम सर्कल होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होता है वो उसके हाइपोटेनस पे लाई करता है, इसलिए बीसी पे है ना, ठीक है। तो मैं इसको आगे पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ है ना, क्योंकि मेनली मेरा पर्पज जो वो तुम्हें इसमें कॉन्सेप्ट और अप्रोच सिखाना है, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाइज ऐसी कोई चीज है। चलिए अब देखो इसके बाद में मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन तो पूछे गए थे। अब देखो यहाँ भी यानी सवाल को देखो आप थोड़ा सा, ये सवाल क्या जेई एडवांस में पूछने लायक सवाल है, अभी शायरी सुनाने का बोल रहे थे कृपांश, मतलब क्या कुछ कहना चाह रहे हो क्या प्रिंस, कोई इश्यू आ रहा है क्या? अच्छा, ओके, गॉट इट। चलिए आ जाइए। तो अब देखो ये जरा जैसे जो सवाल है इसके अंदर बेटा एक चीज सोचो, इसके अंदर एक चीज सोचो कि यहाँ पर ये अब से लोग की वजह से डरना नहीं है, सिंपल देखो आप तो ये सोचो कि लोग एक्स की जगह अगर मान लो कुछ भी होता ऊपर अंडर रूट एक्स है बेटा और नीचे मान लो एक्स की पावर 3/2 है, तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे वाला पोर्शन जो उसको अगर टी मानोगे तो न्यूमरेटर जो वो आपके पास में उसका डिफ्रेंशिएशन जो वो बन जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, एक्स माइनस में एल एन एक्स जो है, सॉरी एल इसकी पावर 3/2 जो उसको आप टी मान लीजिए, तो ये देखो 3/2 और एल एन एक्स की पावर 1/2 और ये आई थिंक एल एन एक्स उसका बनेगा 1/x dx, ये dt आ गया, तो बस ये यहाँ पे डाल दो, सवाल किस्सा ही खत्म हो गया। ये मतलब इसकी वैल्यू देखो 2/3 बाहर ले लीजिए, ये ऊपर dt बन गया, नीचे आपके पास में टी स्क्वायर बन गया। लिमिट का बस ध्यान रखना है, एक्स की वैल्यू बेटा जब 1 डालोगे तो ln1 0, यानी ये अल्फा बन रहा होगा, एक्स की वैल्यू जब आप ई डालोगे तो ये आई थिंक अल्फा माइनस का 1 बन रहा होगा। सर माइनस का 3/2, एक मिनट, माइनस का 3/2 कहां पे आ गया बेटा, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? माइनस एल एन एक्स, अच्छा माइनस एल एन एक्स, ओके ओके बिल्कुल ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ये बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है अल्फा, अल्फा मिल जाएगा आपको। अब जो अल्फा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने हैं, देखो मल्टीपल करेक्ट टाइप के बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के सवाल होते हैं, एक ऐसे सवाल होते हैं जिसमें जैसे एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन के बेसिस पे चार स्टेटमेंट होंगे। कई बार क्या होता है कि मल्टीपल करेक्ट में चारों अलग अलग टाइप के भी सवाल आते हैं ना, तो उनका आपको ध्यान रखना कि जो अलग अलग चार ऑप्शन में ना उनको आपको जरूर ट्राई करना होता है अगर वो पार्शियली जिनमें मार्किंग होती है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। आ जाइए अगला सवाल, एक और देखो बेटा किसका सवाल है, ये सिक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है, सिक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है। अब देखो जरा इसमें बोला गया A1 A2 जो वो एक AP में है, A1 7 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 8 दे रखा है, यानी इसके जनरल सर AOD में आते हैं सर, पोल्स और लिमिट को मिक्स करके। हाँ बेटा नहीं देखो जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले वो सारी चीजें वो तो हम बैच में बात करेंगे, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी कि एडवांस में इजी क्वेश्चंस पे आपको लगे हैं कि नहीं, ये बताओ आप।
तो इसकी बेटा अगर मान लो मैं जनरल टर्म लिखूंगा ए एन, तो वो कितनी होगी, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। डी कितना दे रखा है बेटा, एट दे रखा है, तो ये इसकी जनरल टर्म जो वो आ गई आपके पास में एट एन माइनस का वन। नहीं बेटा बैच में लाइव क्लास नहीं होगी, बट हाँ बीच बीच में लाइव क्लासेस होती रहेंगे। आगे देखो, फोकस 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 फोकस, आ जाओ वापस आ जाओ। लेट टी वन टी टू टी थ्री बी सच दैट, टी वन बेटा आपके पास में थ्री दे रखा है, ये देखो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि टी एन प्लस वन माइनस का टी एन, ए एन जो वो कितना दे रखा है बेटा एट एन माइनस का वन, ऐसा। अब देखो आपको सबसे पहले ये सब जो चीजें फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले आपको टी एन जो वो फाइंड करना पड़ेगा, यस और नो। अब टी एन आप फाइंड आराम से कर सकते हो ना, क्योंकि एन की वैल्यू डाल दो यहाँ पे और कुछ नहीं करना आपको, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज में जनरल टर्म कैसे लिखेंगे जिसके टर्म्स का डिफरेंस एपीपी हो। अच्छा ये वैसे इसमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी बता देता हूँ वो भी ना। इसमें तो आप सिंपली एन की वैल्यू वन डालो, तो टी टू माइनस का टी वन इज इक्वल टू ये सेवन, या हो सकता है इसमें भी पड़ जाए, अभी देखना पड़ेगा ना। टी थ्री माइनस का टी टू जो वो आपके पास में फिफ्टीन आ रहा है, टी फोर माइनस का टी थ्री जो है वो आपके पास में बेटा कितना आ रहा है, ट्वेंटी थ्री, राइट। हाँ इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये लीजिए लास्ट में n डालोगे तो tn प्लस 1 माइनस का tn। अब बेटा टर्म्स को ऐड करते जाओ, तो टर्म्स को ऐड करते जाओ तो देख रहे हो कि अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसिल आउट होती गई। tn प्लस 1 माइनस का t1, ये इधर आ गया 7 प्लस का 15 प्लस का 23, ये तो एक एपी लिखी हुई है ना, ये तो आपकी एक एपी लिखी हुई है, तो बस किस्सा खत्म हो गया, समझ गए। इन सबको ऐड करते जाएंगे तो टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी, तो ये आ गया। अब टी वन जो आपको सवाल में बच्चों गिवन है, तो ये आ गया। अब देखो जो आप में से जो एक बच्चा पूछ रहा था उस चीज को मैं बता देता हूँ। आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हो कि जैसे एक सीरीज है, आर वी डूइंग द कंप्लीट पेपर? नहीं बेटा कंप्लीट नहीं कर रहे, बस पहला पेपर जो उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो जैसे आप ये सभी सीख लो बेटा, ये सभी सीख लो एक बार के लिए। जैसे वन प्लस का टू प्लस का एक सीरीज में ले लेता हूँ कोई भी, फोर ले लिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने सेवन ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने टेन ले लिया, यानी कि बेसिकली इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वन आ रहा है, इसका डिफरेंस टू आ रहा है, इसका डिफरेंस थ्री आ रहा है, इसका डिफरेंस फोर आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है बेटा वो आपके पास में किस में आ रहा हो, एपी में आ रहा हो। अगर डिफरेंस एपी में आ रहा है तो उसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप लिख दीजिए डायरेक्टली ए एन स्क्वायर प्लस, तीन तरीके होते हैं एक्चुअली। अब इसके अंदर एबीसी आपको फाइंड करना है, तो एबीसी के लिए आप एन की वैल्यू एक बार वन डाल दो, टू डाल दो, थ्री डाल दो, तीन इक्वेशन इजी सी बनेंगी, तीनों को सोल्व कर लो। एक इसका डायरेक्टली मेथड भी होता है बेटा, वो क्या होता है nth टर्म लिखने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। tn is equals to, आप देखो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वाली टर्म जो है ना, जो पहले वाला है, ये सिर्फ आपके लिए काम में आता है। क्या करना है देखो, tn is equals to, सबसे पहले ये 1 लिख दो, ये पहले पहले उससे पहले तो यहाँ पे n लिख दो, ये n माइनस 1 लिख दो, और ये यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 लिख दो। हाँ भाई, तो आपको सिंपली कैसे लिखना होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2। अब इनके साथ में कोफिशियंट आते हैं, क्या कोफिशियंट आते हैं, यही कोफिशियंट आते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाई 2। अब कोफिशियंट देखो बेटा क्या आएंगे, यहाँ पे ये पहला जो कोफिशियंट है वो इसके साथ में आ जाएगा, यहाँ पे जो कोफिशियंट है वो इसके साथ में आ जाएगा, बीच में प्लस साइन, यहाँ पे जो आएगा वो इसके साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये डायरेक्ट लिखने, ये लिखने की डायरेक्टली ट्रिक होती है बेसिकली, ट्रिक क्या मतलब इन सब चीजों से ये आता है, तो ऐसा आप कर सकते हो, टाइम बचा जाता आपका। अगला सवाल, ये यार ये एक तो सवाल था, ये 3D का सवाल था, बट इसके अंदर मतलब ऐप, इसके अंदर बेसिकली कोई कैलकुलेशन जो वो नहीं थी सवाल के अंदर। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना था, जो P1 और P2 देख रहे हैं, और वहां से जो वेक्टर आ रहा है वो देखना था कि आपको इसमें लाई जो वो कर रहा है या नहीं कर रहा, इतनी सी चीज थी। तो इसमें मैं आपका टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। अच्छा ये देख लो यार, मैं इसके, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया होता है कि एक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये दिखने में प्लेन जैसा लगता नहीं है, जैसे यहाँ पे भी आपको प्लेन बोला गया बट प्लेन जैसा दिखता नहीं है ये प्लेन। आप नोट भी कर लेना अगर आपको नहीं पता ये चीज का, अपॉन में फैक्टोरियल आता है ना, अगर फोर, हाँ वो फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू ही होती है बेटा। तो ये देखो, अगर आपके पास में इस फॉर्मेट में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, ये प्लेन की इक्वेशन आती है ना, ये देखने में लाइन, क्योंकि यहां तक लाइन की इक्वेशन होती है। अब इसको सोल्व कैसे करना होता है आपको वो बता देता हूं खट से डायरेक्टली। आर माइनस में ए बॉक्स प्रोडक्ट है बेटा, ये बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका बॉक्स प्रोडक्ट आपको जीरो करना होता है, उससे प्लेन जो उसकी इक्वेशन डायरेक्टली निकलती है। तो पहले जैसे ये आर वेक्टर जो लिखा हुआ ना, इसको आप उसकी फॉर्मेट में लेके आ जाइए, ये जो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है इसकी फॉर्मेट में आप लेके आइए। तो अगर इसकी फॉर्मेट में लेके आओगे तो देखो ये क्या बनेगा, एक के कैप बन रहा होगा,
अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक टी आ रहा है, तो टी के साथ में देखो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप, एक आपके पास में पी आ रहा है, तो पी के साथ में कौन है, आई कैप प्लस के कैप। अब यहां से क्योंकि देखो प्लेन, इसमें मेन क्वेश्चन में प्लेन की इक्वेशन निकालना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर क्या करोगे, बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो ये देखो यहां से आर माइनस का के आ गया, आर माइनस का के का मतलब एक्स वाई जेड माइनस वन, ये साथ में बच्चों देखो क्या आ गया, माइनस का वन आ गया और ये यहां से वन आ गया, ये यहां से जीरो आ गया, ये यहाँ पे वन जीरो वन, ये लीजिए किस्सा खत्म। एक्स के साथ में वन आ गया, वाई के साथ में माइनस का वाई और ये माइनस का वन यानी प्लस का वाई आ गया, और ये बनेगा बेटा जेड माइनस वन, और जेड माइनस वन जो है वो माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये प्लेन आ गया। बस अगर ये इतना आप कर लेते तो फिर ये सवाल जो वो आसान था। अब इसकी आपको इमेज जो वो बेटा फाइंड करनी है, किसकी इमेज, क्यू पॉइंट की, तो इमेज का तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला जो वो पता होता है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, सॉरी ये यहाँ पे वन है, सी इज इक्वल टू माइनस का टू टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन और माइनस डी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी वन प्लस वन प्लस, ऐसा ये इस तरीके से बेटा इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ी अब अप्रोच जो वो पता लग गई होगी, है ना। बाकी तो अब क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है। एक और मैं आपको जो चीज बता देना चाहता हूँ वो है यार, ये जब ये इस तरीके से मैट्रिक्स टाइप के जो सवाल आते हैं ना, जो लिस्ट वाले, इनको आपको बहुत केयरफुली करना होता है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मान लो आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो इस टाइप के सवाल को यार आपको एक बार एक लुक जो वो जरूर देना है ना, इसमें 1-2 मिनट आपको जरूर लगानी है। उसमें कई कई बार में क्वेश्चन जो है उसके अंदर मतलब सेटिंग जो बैठ जाती है, सेटिंग क्या बैठ जाती है। अब देखो ये तो खैर ये तो बहुत ही आसान मैचिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, इसमें बात नहीं कर रहा, इसकी बात करते हैं। देखो अब ये मान लो कि प्रोबेबिलिटी का सवाल है, और अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी का अलग सवाल पूछा जाता है मैचिंग के अलावा, तो मैं इसको बोलूंगा कि एक मीडियम लेवल की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा बेटा, एक ये मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम है। लेकिन अब अगर ऑप्शंस को आप देख लोगे ना, तो ये प्रॉब्लम उतनी ही खराब बन जाएगी, मतलब उतनी आसान प्रॉब्लम बन जाएगी। देखो इसमें आप सबसे पहले अगर ऑप्शन को देख रहे हो, तो आप एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करो कि सेकेंड ऑप्शन जो है बेटा उसका चारों में आंसर आर दे रखा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि सेकेंड जो वो तो आर से मैच होगा। अब देखो यहां पर एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू इस तरीके की कुछ बातें जो वो कर रहा है, तो लेकिन ये समझ में आ रहा है कि भाई एक्स टू या तो वाई टू से बड़ा हो सकता है। देखो दो अगर नंबर है, दो दो प्रोबेबिलिटी है, दो नंबर है कुछ भी मान लो, या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या एक्स टू वाई टू से बड़ा हो सकता है, या फिर एक्स टू वाई टू से छोटा हो सकता है। तीन दो ही पॉसिबिलिटी है बेटा। अब यहाँ पे सारी चीजें सिमेट्रिक है, यानी एक्स टू वाई टू से बड़ा होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वही सेम प्रोबेबिलिटी एक्स टू के वाई टू से छोटी होने की होगी। तो एक्स टू देखो वाई टू से अगर बड़ा है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/16, तो इसका मतलब छोटा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी 5/16, और हम ऐसा मान लेते हैं कि बराबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है, और तीनों प्रोबेबिलिटी का सम बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से एक्स देखो कितना आ गया, 1 माइनस का 10/16 यानी 1 माइनस का 5/8, ये आ गया 3/8। इसका मतलब आपको पता चल गया कि बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, सॉरी बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी 5/16 है, छोटा होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 5/16 है, और इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 3/8। ओके, अब ये आपको चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक्स टू या तो बड़ा हो, तो बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी मैंने अभी बात की बेटा कितनी है 5/16, या इक्वल हो, इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी की बेटा मैंने अभी बात की वो कितनी है 3/8। ऐसा इनका दोनों का सम देखो कितना आ रहा है 16, 5 और ये 6, 11/16 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 11/16, यानी 1 जो वो किससे मैच होगा, क्यू से। 1 अगर क्यू से मैच होगा तो इसका मतलब बेटा इसका डी ऑप्शन खत्म, सी ऑप्शन खत्म, या तो ए होगा या बी होगा। अब देखो ए और बी में देखो क्या हो रहा है, थर्ड जो है वो दोनों ही टी से मैच कर रहे हैं। अब देखो चेक भी करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बेटा क्या हो रहा है कि थर्ड और फोर्थ जो वो दोनों ही टी से मैच करा रहा है। अब यार इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी और बड़ा या छोटा होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, एक बार के लिए मान लो कि हम सेम मान लेते हैं। इसने क्या बोला है कि एक्स वाई थ्री के बराबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी मान ली मैंने एक बार के लिए बोल दी एक्स है, और वाई थ्री इसने बोला है कि इसका मतलब क्या है कि तीनों की दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, इसका इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी, और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो एक्स थ्री अगर वाई थ्री से छोटा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, एक्स होगी, और तीनों का सम जो वो कितना आएगा 3x = 1, यानी एक्स के लिए वो 1/3 आनी चाहिए थी, 1/3 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो ए के ऑप्शन बचा ऑप्शन ए, एंड दैट इज आर करेक्ट आंसर। तो मुश्किल से बेटा 50 सेकंड लगेंगे इस सवाल को सोल्व करने में,
और इस तरीके से आप अगर ऑप्शंस से देखते हुए चलते हो तो बहुत आसानी से जो इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही था यार मेरी तरफ से।